हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर पहले मैं वीडियो बनाने वाला था, बट उसमें इतना टाइम लग रहा है एंड उसके अंदर इतनी रिकॉर्डिंग पेंडिंग चल रही है कि मैंने कहा कि वो आप लोगों के लिए अब संडे या मंडे में मैं ले आऊंगा वीडियो। एंड कल तो हम चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को डिटेल में, बट आज मैं आपको एक क्विक अपडेट जरूर दे दूँ। तो बेसिकली मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखो इस जोन में बढ़ी हुई है, जो कि हमें एंटिसिपेटेड था एंड ऐसा कोई बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। होता क्या है कि सुबह आपकी मार्केट अच्छी खासी दिखती है और दोपहर तक सेल ऑफ आना शुरू हो जाता है, तो वो कंसिस्टेंटली पिछले दो दिन से हो रहा है, विच इज अ बिट वरिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां से मार्केट सीधा ऊपर ले जाए एंड ऊपर के लेवल्स हमें दिखाए। अब तक वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। आई एम स्टिल यू नो बिलीविंग कि ये यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा। लोगों को है कि 16,000-15,000 ऐसे लेवल्स, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे ये लगता है कि यहाँ से हमें ऊपर के लेवल्स ही देखने को मिलेंगे और ईयर एंड तक आपको एक नया हाई इसके अंदर दिख जाना चाहिए। दैट इज माई फर्म बिलीफ। अब अगर 17,400 का लेवल डिसाइसिवली कहीं पे भी ब्रेक होता है तो फिर हम कहीं ना कहीं कॉल लेंगे कि हम अब बेरिश होना शुरू करेंगे, बिकॉज वी डो नॉट थिंक कि इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए। वी क्या मतलब, बेसिकली आई डो नॉट थिंक कि इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए एंड पूरी ही हमारी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड्स उसी बेसिस पे चल रही हैं। अगेन यू नो रिपीटेडली टेलिंग यू कि यहाँ पे ट्रेड्स थोड़ी कम करें, थोड़ा अपने आप को लाइट रखें, बिकॉज वॉलीटिलिटी बहुत बढ़ी हुई है। बट ऑल्सो एडिंग टू दिस पॉइंट कि जो चीज़ें ब्रेकआउट दे रही हैं वो कई जगहों पे सस्टेन कर रही हैं। यस, गेन्स गिव अप हो रहे हैं बट ब्रेकआउट्स सस्टेन हो रहे हैं, विच इज़ अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट, फॉर द स्टॉक्स एंड फॉर अस एज वेल। तो वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बुलिशनेस इसके अंदर है और आसानी से चढ़ने नहीं दे रहा किसी को भी अपने अंदर, राइट? तो बेसिकली अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको डाउट रहता माइंड में कि यहाँ से टूट जाएगा तो क्या होगा। सुबह आप लेने लगते हो तेजी में तो आप देखते हो कि दोपहर तक सेल ऑफ आ रहा है तो आपसे लिया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं वो वॉलीटिलिटी, वो बेचैनी इसने पैदा कर रखी है सबके मन में, जो कि वैसे बहुत अच्छी बात है और एक प्रॉपर बुलिशनेस का साइन है। तो साइकोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत बुलिश लग रही है मार्केट यहाँ से एंड आई डू बिलीव ईयर एंड तक आपको एक नया लाइफ टाइम हाई दिख जाएगा निफ्टी के ऊपर एंड उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। बट अगर 17,400 डिसाइसिवली कटता है, जो कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, तो ट्रेड्स की साइड पे तो डेफिनेटली हम कॉल लेंगे एक बार को। इन्वेस्टमेंट की साइड पे आई स्टिल बिलीव कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ध्यान होगा हमने बहुत पहले निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड में बात करी थी कि किस तरीके से बहुत ही शानदार निफ्टी का चार्ट है एंड उसके अंदर कोई ब्रेकडाउन नहीं है। तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स बहुत सुंदर है निफ्टी के अभी भी एंड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो दैट वुड बी इट फॉर द डे। कल मिलूंगा चार्ट ऑफ द वीक में, निफ्टी बैंक निफ्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस एक चार्ट लाएंगे आप लोगों के लिए, ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए एक और चार्ट जाएगा एंड जैसा कि मैंने टेलीग्राम मेंबर्स को प्रॉमिस किया है और आप लोगों को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें, चार्ट्स भर भर के आ रहे हैं अब टेलीग्राम में, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट दोज बेनिफिट्स। ऑल्सो सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में वी आर हैविंग आर मंथली डिस्कशन सेशन विद टेलीग्राम मेंबर्स। उसके अंदर हम मुझसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन रिगार्डिंग योर पोर्टफोलियोज, जो कि हम कभी भी आंसर नहीं करते। इफ यू आर पार्ट ऑफ टेलीग्राम यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ दोज सर्विसेज। सो आई विल सी यू टुमारो इन चार्ट ऑफ द वीक। बाय बाय। जय हिंद।